फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर, ये हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? सिंपल सी अगर हम बॉर्डर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बॉर्डर क्या होता है। मान लीजिए कुछ चीजें लिखी गई हैं और उसके आउटसाइड चारों तरफ यानी अराउंड क्या है, एक बॉर्डर है यानी एक लाइन है, तो वो क्या होता है, हमारा बॉर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस बॉक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंटेंट एरिया होता है हमारा पूरा ब्लू कलर का होता है, लेकिन इसके साइड में क्या होती है, कुछ स्पेस होती है, और जो आउटर एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, बॉर्डर होता है। कंटेंट का जो पूरा का पूरा बाहर का आउटर एरिया होता है वो सारा हमारा क्या होता है, बॉर्डर का एरिया होता है। आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर किस प्रकार से हम बॉर्डर को सेट करते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी जो होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज टू सेट एन एलिमेंट्स बॉर्डर, यानी एलिमेंट्स के बॉर्डर को सेट करने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्यू है, इस ड्यू की कुछ अपनी क्या होगी, हाइट होगी, कुछ विड्थ होगी, कोई बैकग्राउंड कलर होगा, इस प्रकार से इसके अंदर हो सकता है कुछ कंटेंट हो या फिर ना हो। अगर कंटेंट होगा तो कुछ इतने में क्या होगा, इसका कंटेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये आउटर एरिया जो यानी कि जो हमारा ड्यू एलिमेंट है वो यहाँ से है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा ड्यू एलिमेंट यहाँ से है। जो बॉर्डर सेट होता है वो एलिमेंट के ऊपर सेट होता है, ना कि कंटेंट के ऊपर सेट होता है। जो हमारा कंटेंट होता है इसके ऊपर बॉर्डर सेट नहीं होता है, जो बॉर्डर सेट होता है वो हमारे एलिमेंट के ऊपर सेट होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर एक बॉर्डर सेट करना है। तो बॉर्डर यहाँ पर जो बॉर्डर सेट किया जाएगा, इस बॉर्डर की जो लाइनिंग होगी यानी कि जो बॉर्डर की विड्थ होगी, यहाँ पर जो बॉर्डर लिया गया है, मान लेते हैं कि ये कुछ बॉर्डर है, इसकी जो विड्थ होगी ये कितनी आपको रखनी है, 2 pixels रखनी है, 4 pixels रखनी है, यानी कि उसकी चौड़ाई क्या होने वाली है। नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास बॉर्डर की विड्थ होती है कि हमें ये बताना पड़ता है कि हमारे बॉर्डर की विड्थ क्या होने वाली है, कितने विड्थ का हम बॉर्डर रखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बॉर्डर स्टाइल, जो हमारा बॉर्डर है उसकी स्टाइल क्या होने वाली है। स्टाइल कहने का क्या मतलब है, एक तो होगा कि आपकी सॉलिड लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लाइन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल वाली होती है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपके पास डॉटेड लाइन हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से डॉट 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 के रूप में क्या हो, यहाँ पर आपका बॉर्डर हो। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है कि डैश्ड लाइन हो, यानी कि जो डैश के शेप में होती है, इस प्रकार से कुछ लाइन हो। और एक हो सकती है कि आपके पास वेब लाइन हो, जैसे कि इस प्रकार वाली लाइन। तो इस प्रकार से आप किस शेप में बॉर्डर को रखना चाहते हैं। एक और हो सकती है कि आपके पास डबल लाइन हो, यानी कि डबल अंडरलाइन की लाइन हो, जैसे कि हमारे पास डबल अंडरलाइन वाली लाइन होती है, सेम वैसे यानी कि डबल बॉर्डर हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होती है जो कि हम अपने बॉर्डर के लिए दे सकते हैं। और फर्स्ट हमारा है उसकी विड्थ क्या होगी, ये बताना हो गया। नेक्स्ट होगा हमारे पास जो हमने बॉर्डर दिया है इसका कलर क्या होने वाला है, यानी कि क्या कलर आप रखना चाहते हो, पिंक रखना चाहते हो या फिर ब्लैक रखना चाहते हो या फिर येलो रखना चाहते हो या फिर ब्लू रखना चाहते हो, क्या कलर रखना चाहते हो वो आपको बताना होगा। तो इन सभी के लिए हम एक ड्यू एलिमेंट के ऊपर क्या करने वाले, अपने बॉर्डर को, अपनी हमारी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है इसको यूज करके उस पर हम सेट करने वाले हैं। सेट क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो मेरी बॉर्डर है इसकी विड्थ हम रखने वाले हैं 5 pixels, यानी हम चाहते हैं जो मेरा बॉर्डर है वो कितना चौड़ा हो, 5 pixels के इक्वल इसकी चौड़ाई हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि बॉर्डर की स्टाइल, मैं चाहती हूँ मेरी बॉर्डर की सिंपल वाली स्टाइल हो। सिंपल स्टाइल क्या होती है, सॉलिड, यानी सॉलिड इसकी स्टाइल क्या होगी, सॉलिड, जो कि बिल्कुल सिंपल दिखेगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर मैं ब्लैक रखना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से हम इसको सेट करने वाले हैं। ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं और इसकी वैल्यू हम सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये हमारा कुछ वेब पेज इस प्रकार से है, जैसे हमारा रैंडम वेब पेज क्रिएट हुआ था सेम वैसे ही है। एक मैंने H1 हेडिंग को बना रखा है, आप किसी और के भी ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे सेम बना भी सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। H1 हेडिंग मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट ड्यू है, फर्स्ट ड्यू के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, कुछ रैंडम कंटेंट डाल दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ड्यू है, सेकेंड ड्यू के अंदर भी हमने सेम कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर भी क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। यहाँ से हमने लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज किया हुआ है और एक हमने यहाँ पर बटन क्रिएट कर रखी है क्लिक हेयर के लिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये वेब पेज यहाँ पर HTML का वेब पेज जो है क्रिएट हुआ है। अगर इसका हम आउटपुट देखें तो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। कुछ मैंने इस
पर सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो बॉक्स मॉडल के लिए मैंने पढ़ रखा है, जैसे कि हमारे जो बॉक्स है यानी जो हमारा ड्यू एलिमेंट है उसकी हाइट क्या होगी, मैंने 200 पिक्सल्स की हाइट सेट कर रखी है, विड्थ क्या होगी, विड्थ मैंने 500 पिक्सल्स की सेट कर रखी है, और इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है ग्रीन येलो। अब मुझे करना क्या है, जो हमारा ड्यू एलिमेंट है यानी ये वाला जो मेरा एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि दोनों हमारे ड्यू एलिमेंट है, तो मैंने ड्यू सेलेक्टर को ऐसे यूज कर लिया है एलिमेंट सेलेक्टर को। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक बॉर्डर देना है। यहां से अगर आप देखें तो यहां पर अभी हमें कोई भी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों ड्यू हमारे पास है, फर्स्ट ड्यू ये हो गया, सेकेंड ड्यू ये हो गया। इसकी हाइट क्या हमने दे रखी है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसकी हाइट हमने सेट कर रखी है, हमारा जो यहाँ पर ड्यू है, हाइट को मैंने 200 पिक्सल्स रखा हुआ है, इसीलिए कंटेंट के आउटर एरिया को भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एडजस्ट कर रहा है, यानी कंटेंट के आउटर एरिया को भी ये ऐड कर रहा है साथ में यहाँ पर, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो हमने 200 पिक्सल्स रखी हुई है, उसी प्रकार से सेकंड वाला ड्यू भी। अब इसके ऊपर हम एक बॉर्डर देने वाले हैं, तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे क्या देना है, यहाँ से जो बॉर्डर का यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले मुझे बताना होगा जो मेरा बॉर्डर है उसकी विड्थ क्या होने वाली है। तो यहाँ से बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया कि मेरी बॉर्डर की विड्थ 5 पिक्सल्स होने वाली है, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ से देख सकते हैं अभी कोई चेंज आपको नहीं दिखा, क्योंकि अभी मुझे और भी चीजें इस पर सेट करनी है। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के लिए अब हम क्या सेट करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल हम देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने दे दिया बॉर्डर की जो स्टाइल होने वाली है उसको मैंने सेट कर दिया सॉलिड, यानी कि जो मेरा बॉर्डर की स्टाइल होगी एक सॉलिड स्टाइल होगी। यहां से मैंने पेज को क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अभी यहां पर कोई आउटपुट यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये क्या रीड कर रहा है, इसका कलर ब्लैक रीड कर रहा है। मैं चाहूं तो इसका कलर ब्लैक ही रख सकती हूं। यहां से मैं थोड़ा चेंज करने वाली हूं जो बॉर्डर का कलर है, मेरे बॉर्डर का कलर मैंने यहां से क्या रख दिया, यहां से हम बॉर्डर का कलर लेने वाले हैं ब्लू, ताकि आपको डिस्प्ले हो, ब्लू ले लिया मैंने। और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं मैंने 5 पिक्सल्स इसकी क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो मेरा बॉर्डर यहां पर चौड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि थोड़ा और कम, यानी कि इसकी विड्थ थोड़ा और कम करना चाहते हैं, तो यहां से मैंने इसको 2 पिक्सल्स कर दिया, आप थोड़ा पतला दिखेगा यहाँ पे। और इसके आउटपुट को हम यहाँ से देखते हैं, तो इस प्रकार से जो मेरा बॉर्डर है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ये फर्स्ट ड्यू है, फर्स्ट ड्यू यहाँ तक है मेरा पूरा, इसकी हाइट यहाँ तक है तो इसलिए हाइट पूरी ले रहा है। सेकेंड ड्यू मेरा यहाँ पे है, इसके अराउंड क्या लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर का जो कलर मैंने लिया है ब्लू लिया है, स्टाइल मैंने कैसा रखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सॉलिड रखा हुआ है जो कि बिल्कुल सिंपल लाइन होती है, और मैंने बॉर्डर का साइज 2 पिक्सल्स रखा हुआ है। अगर यहीं पर हम उसकी साइज को और ज्यादा रखते हैं तो बॉर्डर की जो चौड़ाई होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक मोटी लाइन दिख रही है, यानी ये बॉर्डर की साइज जो है यहाँ पर मोटी दिख रही है यहाँ पर, अगर आप देखें, किस लिए, क्योंकि ये फर्स्ट वाले ड्यू और सेकेंड वाले ड्यू दोनों का बॉर्डर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में एड हो रहा है, इसी वजह से क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये बॉर्डर की साइज सेम ऐसी ही रहेगी जैसे यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट और टॉप में यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से हम बॉर्डर को सेट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर मुझे इसकी स्टाइल को और चेंज करना है तो स्टाइल को हम यहां से क्या रख सकते हैं, डैश्ड रख सकते हैं। तो अब यहां से जो लाइनिंग आएगी वो क्या आएगी, बॉर्डर की डैश में आएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से अगर मुझे और स्टाइल इसकी चेंज करना है तो यहां से हम और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे डॉटेड चाहिए तो हम यहां से डॉटेड रख सकते हैं। आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब मेरा बॉर्डर जो होगा वो डॉटेड होगा। अब यहां से डॉट डॉट के रूप में आपको क्या दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, जैसे कि यहां पर भी देख सकते हैं डॉटेड की डबल लाइन यहां पर आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। और यहां से एक पॉइंट आपको ये समझना है, अब यहां से इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें, सबसे पहले इसकी जो बॉर्डर की स्टाइल है उसको हम सॉलिड रखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां से मैंने सॉलिड रख लिया और इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। फिर से रिफ्रेश करने के बाद इंस्पेक्ट किया और यहां से अगर अब हम देखें, जो हमारा कंटेंट एरिया है, जो ब्लू दिख रहा है वो हमारा कंटेंट एरिया है, लेकिन
कंटेंट एरिया हमारा यहीं तक आ रहा है, लेकिन जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ तक आ रहा है, लास्ट तक। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने अपने एलिमेंट की हाइट को सेट कर रखा है उसके ऊपर, क्योंकि जो बॉर्डर होता है वो कंटेंट के ऊपर न इम्प्लीमेंट हो करके हमारे एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो जितना आप अपने एलिमेंट की साइज देंगे उतने उसी हिसाब से क्या होगा, आपका बॉर्डर वहां पर एड होगा। अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा और यहाँ से बढ़ा दूं, मान लेते हैं इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ से 700 पिक्सल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ जितनी ज्यादा हो गई उतने में हमारा बॉर्डर क्या हो जाएगा, वहां तक एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हमारा बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर आप देखें तो अब हमारा बॉर्डर यहाँ से आ रहा है, अभी तक क्या था, लेकिन आपको लग रहा है कंटेंट को क्या किया हुआ है, कंटेंट के अराउंड हमारा बॉर्डर लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, हमारा बॉर्डर एड होता है। इसी प्रकार से सेकेंड ड्यू के ऊपर भी हो रहा है। अब हमारी जो हेडिंग है इसकी, अभी मैंने हाइट और विड्थ कुछ भी नहीं सेट कर रखी है, अगर मैं इस पर बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करूं, अपने हेडिंग के ऊपर भी हम बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी हेडिंग क्या है यहां से चेक कर लेते हैं, H1 हेडिंग है। अब इस हेडिंग के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, सेम चीज को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहां से कंट्रोल सी और यहां पर डायरेक्टली कंट्रोल बी। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कलर क्या रखने वाले हैं, यहाँ से कुछ रेड रख लेते हैं। और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपकी H1 हेडिंग है उसके अराउंड क्या हो चुका है, एक बॉर्डर आ चुका है। कितने पिक्सल्स का, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर आ चुका है, लेकिन ये पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि जो हमारा हेडिंग होता है, हेडिंग एलिमेंट होता है, H1 एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पर दिया, इसने पूरी विड्थ को क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। हमारा कंटेंट सिर्फ यहीं तक है, लेकिन जो कंटेंट का एरिया है वो ब्लू वाला जितना भी एरिया दिख रहा है वो पूरा कंटेंट का एरिया होता है। अगर हम इसकी साइज को सेट कर देते हैं, जो हमारी H1 हेडिंग है, मान लीजिए मैंने इसकी विड्थ को क्या सेट कर दिया, विड्थ को मैंने यहां से दे दिया 400 पिक्सल्स, और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो 400 के अराउंड ही हमारा बॉर्डर क्या होगा, सेट होगा। इसके जो आउटर आपको खाली स्पेसेस भी कुछ देखने को मिल रहे हैं, जिसको आगे चल करके हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो यहां से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि बॉर्डर को हम किस प्रकार से अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर सेट करते हैं। अब यहां से मैंने एक ड्यू का एग्जाम्पल क्यों लिया था, क्योंकि ड्यू एक ऐसा सिंपल एलिमेंट है जिसको आप कोई भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और इसको आसानी से समझने में काफी ज्यादा आसान होता है जो हमारा ड्यू एलिमेंट होता है। इसीलिए मैंने समझने के लिए ड्यू एलिमेंट का एग्जांपल लिया था। लेकिन आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और वहां पर सेट कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो अभी तक चीजें हमें हाईलाइटेड नहीं दिख रही थी, लेकिन अगर हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी कंटेंट पे बॉर्डर दे देते हैं तो उस कंडीशन पे वो सारी चीजें और ज्यादा हाईलाइट होकर के हमें डिस्प्ले होने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहीं पर हमारे पास एक पॉइंट और होता है बॉर्डर प्रॉपर्टी को सेट करने का, यहाँ पर होता है हमारा शॉर्ट हैंड। बॉर्डर शॉर्ट हैंड को किस प्रकार से हम यूज करते हैं, जितनी भी चीजें अभी तक मैंने 3 लाइन में लिखी थी उसको मैं एक सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, बॉर्डर को लिखना होगा जो कि हमारी प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद सबसे पहले विड्थ को लिखना होगा, फिर स्टाइल को लिखना होगा, फिर कलर को बताना होगा। तो इन सारी चीजों को हम एक सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे 2 पिक्सल्स की मैंने विड्थ दे दी, उसके बाद स्टाइल मैंने क्या दे दी, सॉलिड दे दी यहां से, उसके बाद मैंने कलर क्या दे दिया, कलर दे दिया मैंने ब्लू, जैसे कि मैंने पहले किया था, उसको हम एक सिंगल लाइन के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमारा ड्यू एलिमेंट है तो यहां से बॉर्डर प्रॉपर्टी, 2 पिक्सल्स की मैंने क्या दे दिया, विड्थ दे दिया, और सॉलिड और ब्लू। तो इसको हम देखने वाले हैं सबसे पहले, तो यहां से हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे मैंने इतनी सारी चीजें लिखी थी इसको मैं एक सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं, इसको मैंने कमेंट आउट किया और कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां से मैंने बॉर्डर, सिंपल सी बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज किया और 2 पिक्सल्स का मैंने यहां पर बॉर्डर दे दिया, और मैंने क्या दिया, स्टाइल इसकी सॉलिड दे दिया, और उसके बाद कलर क्या दे दिया, ब्लू कलर मैंने यहां से इसको दे दिया। अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा,
बस इसको लिखने को हम कम लाइन के अंदर किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज अप करना चाहते हैं तो चेंज अप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे इसका कलर कुछ चेंज करना है, या फिर इसकी साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, 3 पिक्सल्स करना है तो कर सकते हैं। कलर को मुझे कलर पिकर की हेल्प से हम इसके कलर को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए मैंने इसका कलर भी सेट कर दिया कुछ वायलेट, और इसको मैंने सेव किया यहाँ से, और इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी चेंजेस क्या हो चुकी हैं, आ गई हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी। इसके अलावा बॉर्डर में और भी चीजें हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।